कहते हैं इंसान दूसरों से तो लड़ लेता है मगर जब उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाएं तो बड़े से बड़े आदमी का हौसला टूट जाता है। अफसोस ये है कि पिछले कुछ सालों से भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो मीडिया के एक सेक्शन और नेताओं ने इस पर सवाल उठाए, कहा कि अगर स्ट्राइक की है तो वीडियो दिखाओ। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक न हो गई, उनकी बुआ की शादी का लेडी संगीत हो गया कि वीडियो देखना है उनको। हमारे फौजियों ने गलवान में चीन को सबक सिखाया, तब भी कुछ चमन चंपुओं को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि जिनपिंग खुद उन्हें फोन करके ना बता दे। और जब 2020 में कोरोना आया तब भी लोगों ने कहा कि भारत जैसा देश इससे नहीं निपट पाएगा, इंडिया कांट डू इट। हमने जब वैक्सीन बनाने की कोशिश की तो उसका मजाक उड़ाया गया। फाइजर जैसी कंपनियों की वैक्सीन न लेने के लिए सरकार को गाली दी गई। आगे चलकर फाइजर वैक्सीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई और अपने ही लोगों की टांग खींचने के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बनकर सामने आया। 2 billion doses hit the 200 crore vaccination. 200 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं। हमने अपने यहाँ तो 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई, दुनिया के 100 देशों को कोरोना की 30 करोड़ वैक्सीन भी दी। मतलब अपने ही लोगों से मजाक उड़वाने से लेकर कोरोना के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने तक हमारे साइंटिस्ट ने क्या कमाल कर दिया। और उसी कमाल की कहानी है द वैक्सीन वॉर। मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे। तो क्या कहती है फिल्म और क्यों ये फिल्म हम सबको देखनी चाहिए, और भारतीय वैक्सीन से जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो फिल्म आने से पहले शायद ही किसी को पता होगी, तो आइए उन सब पर बात करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो अगर सही लगे सचमुच तो अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से सबसे इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस पर अगले कुछ दिनों में खूब रौनक स्यापा होने वाला है, बहुत सारी छातियां कूटी जाएंगी। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह बहुत सारे लोग जमीन पर लौट जाएंगे। मगर कहते हैं ना कि इश्क तोंद और सच्चाई जितना छुपाएं उतना ही बाहर आ जाती है, तो वैक्सीन वॉर के साथ विवेक अग्निहोत्री ने भी यही किया है। द वैक्सीन वॉर में बताया गया है कि जब जिनपिंग की छोटी ननद का लड़का कोरोना वायरस जब भारत आया तो हमारे साइंटिस्ट को कैसे एक साथ तीन तीन लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहली लड़ाई थी कोरोना वायरस से, दूसरी थी उसका इलाज ढूंढने की, और तीसरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी उन लोगों से जो चाहते ही नहीं थे कि भारत कोरोना की वैक्सीन बनाए, जिनका दबाव था कि भारत बाहर से वैक्सीन खरीदे, जो हर दिन जलती लाशों को देखकर खुश हो रहे थे। इससे पहले कि इन लोगों की मैं बात करूं, उनके पोल पट्टे खोलूं, हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब कोविड भारत में आया तो सबसे पहला चैलेंज ये था उसे समझने का। साइंटिस्टों को ये जानना था कि भैया ये बला क्या है, कौन गांव है, कौन जात है। आप दुश्मन को तभी हरा पाएंगे ना जब पहले ये पता हो कि वो है क्या। क्रिकेट की जुबान में कहें तो ये स्पिनिंग ट्रैक पर कुलदीप यादव को खेलने जैसा है, उस पर चौका छक्का तो बाद में लगाएंगे, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसकी बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या टॉप स्पिन होकर सीधी आ जाएगी। तो भारतीय साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को समझने के लिए सबसे पहले उसे आइसोलेट किया। इसके बाद अगला चैलेंज था वैक्सीन बनाने का। अब वैक्सीन कोई गोभी का पराठा तो है नहीं कि मम्मी ने रसोई में गोभी कद्दूकस करके आधे घंटे में बना दिया। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं, कई सालों तक जानवरों पर उसका ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, उसके बाद वैक्सीन अप्रूव होती है। मगर कोरोना के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। सरकार का ऑर्डर था कि वैक्सीन बनानी है तो बस बनानी है, सालों की इस प्रोसेस को कुछ महीनों में करना था। अच्छी बात यह है कि राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहीं भी चीजों को डम डाउन करने की कोशिश नहीं की, और मुझे ये चीज अच्छी लगी। अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस है या टर्मिनोलॉजी है तो उसे वैसे ही बताया गया है इस फिल्म में। साइंटिस्ट के सामने जो चैलेंजेस थे उसे वैसे ही दिखाया है, जिस जिस लेवल पर प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ बताया गया, और ये सब बताते हुए ये भी दिखाया गया है कि सब कुछ एकदम से नहीं हो गया। सच कहूं तो मूवी में जब साइंटिस्ट को वैक्सीन बनाने के लिए स्ट्रगल करते देख रहा था और ये देख रहा था कि उनमें से कितने लोग उस टाइम कई दिन तक घर नहीं गए अपने, कई दिनों तक सोए नहीं थे, माएं अपने 7-8 साल के बच्चों से मिल नहीं पाई थी, और उनके इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जब कोई उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जब कोविड आया और इतनी तेजी से फैल रहा था तो हर आदमी इस प्रेशर में था कि यार मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को कोरोना ना हो जाए। खुद को और अपनी फैमिली को बचाना हमें हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। अब आप उन साइंटिस्ट के बारे में सोचिए जिन्हें अपनी भी जान बचानी थी, घर वालों की भी फिक्र करनी थी, और उन्हें यह भी पता था कि अगर हमें पूरे देश को बचाना है तो वैक्सीन बनानी ही होगी।
मतलब आप सो नहीं पा रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर आप हार भी नहीं मान सकते, क्योंकि आपके हारने का मतलब है पूरे के पूरे देश का हार जाना। यानी ये वो इमोशन है जहां कुछ लोग पूरे के पूरे देश को बचाने में लगे हैं। ये सच में आपको एक वॉर वाली फीलिंग देता है। तो फिल्म में हमारे साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने लोगों के लिए वैक्सीन बनाने का था, मगर इससे भी बड़ा चैलेंज जो था, जिसे देखकर शायद आपका खून खौल जाए, वो ये कि कैसे जब हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे थे, इसी टाइम मीडिया का एक सेक्शन हमारे ही वैज्ञानिकों का हौसला तोड़ने में लगा था। उनकी हरकतें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल हेट में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि वो देश के ही फेल हो जाने की बद्दुआ करने लगे। अच्छा, जैसा मैंने अपनी इंट्रो में शुरू में कहा था कि इंसान हो या कोई कंट्री, हम दूसरों से तो लड़ लेते हैं मगर अपने ही लोगों से लड़ने में इंसान टूट जाता है। वैक्सीन वॉर में भी यही दिखाया है। जैसे ही कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों को यह पता लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए अपने ही देश में वैक्सीन बन रही है, तो वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट के दो कारण है। अब आप गंदी सोच का लेवल देखिए। घबराहट का कारण नंबर वन कि कहीं भारत में अगर कोरोना की वैक्सीन बन गई और हमने टाइम पर लोगों को लगाकर उनकी जान बचा ली, तो इससे कहीं सरकार हीरो ना बन जाए। मतलब फिल्म में जो प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह दिखाई गई हैं, वो बाकायदा ये बोल रही है, उनका एक डायलॉग है कि राजा को हारना चाहिए फिर चाहे कुछ भी हो। इतना ही नहीं, फिल्म में जो सबसे खतरनाक एंगल दिखाया गया है वो ये कि कैसे इंटरनेशनल फार्मा कंपनियों को जब ये पता लगता है कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वो रोहिणी सिंह जैसे जर्नलिस्ट से कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ लिखो, तुम लोगों को ये बताओ कि कैसे इंडियन वैक्सीन सब स्टैंडर्ड होगी, लोगों में डर फैलाओ। इतना ही नहीं, ये फार्मा कंपनियां बाकायदा एक टूल किट देती है जिनमें ये साफ साफ लिखा होता है कि कैसे इंडियन वैक्सीन को लेकर या कोविड हैंडल करने को लेकर इंडियन सरकार के खिलाफ आर्टिकल लिखे जाएंगे। फिर कुछ जर्नलिस्ट उन आर्टिकल को कोट करके ट्वीट करेंगे, फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उस पर रिएक्ट करेंगे। इस तरह वैक्सीन के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। फिल्म में कई बार दिखाया गया है कि एक लॉबी की तरह ये लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि भारत सरकार फाइजर से वैक्सीन क्यों नहीं ले रही है। ये लोग कभी इस बात का जिक्र ही नहीं करते कि कैसे फाइजर भारत सरकार के रूल्स नहीं मान रही है, वो अपनी वैक्सीन से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपना डेटा शेयर करने को तैयार नहीं है, भारत में ह्यूमन ट्रायल करने को भी तैयार नहीं है। उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए जो भारत के पास नहीं है। वो जर्नलिस्ट इनमें से कोई बात जनता को नहीं बताते। ये एक लॉबी बार बार मीडिया में सिर्फ यही बात बोलती है कि सरकार अपनी ईगो में फाइजर की वैक्सीन नहीं ले रही। और आज दोस्तों, जब फाइजर वैक्सीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड प्रूव हो गई, तो ये साबित हो गया कि उस वक्त इस वैक्सीन को भारत में न आने देने का फैसला कितना सही था। फाइजर ये वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं, आप अभी मंजूरी देने में अटके हुए हैं, इनको मंजूरी दीजिए। आपको पता है, जिस फाइजर वैक्सीन को भारत में परमिशन देने को लेकर कोविड टाइम में बाकायदा लॉबिंग की जा रही थी, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुई है। फाइजर वैक्सीन जब शुरू में आई तो इसने कहा कि हमारी वैक्सीन तो 100 से 95% तक इफेक्टिव है, फिर ये 95% से 88% पर आ गया, फिर 70 पर आए, और इसका आंकड़ा गिरते गिरते इतना नीचे चला गया कि लोगों के होश उड़ गए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले फाइजर के इसी फ्रॉड को बेनकाब करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दिखाया कि कैसे हर बीतते दिन के साथ फाइजर की एफिकेसी रेट गिरती गई। जिन जिन देशों में ये वैक्सीन दी गई, वहां लोगों को कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई। कहीं वैक्सीन लेने वालों को लकवा मार गया, कहीं हार्ट में सूजन आ गई। इंग्लैंड में 36 साल की एक लेडी की वैक्सीन लेने के 11 दिन बाद मौत हो गई। न्यूजीलैंड में एक 26 साल का लड़का मर गया। जापान, कोरिया, अमेरिका जैसे जिन जिन देशों में सबसे ज्यादा फाइजर वैक्सीन दी गई, उन देशों में वैक्सीन लेने के बाद भी लाखों लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए और हजारों की तो जान चली। इस साल फाइजर के सीईओ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में भाग लेने अपने प्राइवेट जेट से गए थे, तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने सरेआम उनकी धज्जियां उड़ा दी। You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? इसीलिए मैंने कहा कि फाइजर वैक्सीन दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड थी, और भारत में कुछ पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज भारत सरकार की इस बात पर आलोचना कर रहे थे कि हम फाइजर से ये फ्रॉड खरीद क्यों नहीं रहे। आप ही सोचिए, दुनिया के 181 देशों ने फाइजर से 400 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदी। उसने एक साल में 3,00,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच दी। उसका प्रॉफिट 75,000 करोड़ से बढ़कर 2,00,000 करोड़ हो गया। उनका टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ से बढ़कर 8,22,000 करोड़ हो गया। उसका शेयर प्राइस इंडियन करेंसी में अगर बोले तो 2,200 रुपए से 4,200 रुपए हो गया। और 1.5 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि जिस चीज के लिए दुनिया ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसका सक्सेस रेट तो 20% भी नहीं है। अब जरा सोचकर देखिए, इस एक लॉबी के प्रेशर में अगर सच में हमने भी फाइजर वैक्सीन भारत में आने दी होती,
उसी फाइजर के भरोसे हम अपनी वैक्सीन डेवलप करने पर ध्यान नहीं देते तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। उपलब्ध एक्सटिंग ऑपरेशन के जरिए दावा किया गया कि अपनी जेब भरने के लिए फाइजर कोरोना वायरस से छेड़छाड़ करने की कोशिश में, ताकि वायरस बेहद जानलेवा हो जाए और कंपनी कोरोना का नया टीका बना सके। फिल्म में एक बात बार बार अंडरलाइन की गई है, जब भी जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह इंडियन वैक्सीन के अगेंस्ट कुछ लिखती हैं या भारत में जलती लाशों की तस्वीरें बाहर की मीडिया को बेचती हैं, तो सामने वाला कैरेक्टर उन्हें जरूर ये कहता है कि आप गवर्नमेंट से, सरकार से नफरत करते करते अपने देश के अगेंस्ट क्यों हो गई, अपने देश को हारते क्यों देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों ऐसी बहुत सारी चीजें हाल के सालों में हुई जिन्हें देखकर मैं भी हैरान होता हूं कि सच में कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी ये कहती है कि हाँ उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो आप उस पर ऐसे सवाल करते हैं जैसे आर्मी सरकार को कोई पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए झूठ बोल रही है। इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है। हम जानते हैं सरकारें दूध की धुली नहीं होती, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन हमेशा डाउट करने का क्यों होता है। आप सोचिए, उरी के टाइम पाकिस्तान तो डिनायल मोड में था ही। अगर हमारे भी कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई सबूत दिखाओ, तो एज ए कंट्री आप पाकिस्तान के सामने हमें नीचा नहीं दिखाओगे। उसी तरह आपने गलवान के टाइम भी किया, वो तो खुद बाद में चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान दिया, बाहर की मैगजीन्स ने चीनी सैनिकों के मरने की बात लिखी, तब जाकर कुछ लोग ये माने। G20 की बात करते हैं, G20 की मेजबानी जब भारत को मिली तो बजाय ये सोचकर खुश होने के कि भारत ने हाल फिलहाल में इतने बड़े इवेंट को होस्ट नहीं किया, कुछ लोग इस बात का मजाक बना रहे थे कि भाई देखो भारत मंडपम के एक पंडाल में पानी इकट्ठा हो गया। मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप घर वालों की हेल्प करोगे, इस बात पर दुखी होंगे, या दूसरे कमरे में बैठकर अपने ही माँ बाप का मजाक उड़ाओगे कि देखो बढ़िया हुआ ये लोग खुद को ज्यादा ही होशियार समझते थे, हो गई ना गड़बड़। भाई लोग, इंडिया से बाहर जब आप जाओगे ना, तो दुनिया आपसे ये नहीं पूछने वाली कि तुम राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, तुम केरल से हो या पंजाब से हो या मुंबई से हो। भारत के बाहर आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ भारतीय हो। इसलिए भारत का किसी भी फील्ड में अच्छा या बुरा करना सरकार की तारीफ या बुराई नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की तारीफ और बुराई है। मगर पता नहीं क्यों कुछ लोग अपनी नफरत के हाथों इस कदर मजबूर हैं कि वो नेता को हारते देखने के लिए देश को गिरते देखना भी मंजूर कर लेंगे। और द वैक्सीन वॉर फिल्म उसी अफसोसजनक सच को दिखाती है। अच्छा, इस पॉलिटिकल एंगल के अलावा जो चीज जानकर सच में खुशी हुई और जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया, वो ये कि ICMR और NIV की जिस टीम ने कोवैक्सीन बनाई उसमें 70% महिलाएं थी, आम घरेलू महिलाएं जो आपकी और हमारी माँ की तरह सूट साड़ी पहनकर ऑफिस जाती थी, घर पर बच्चे भी संभालती थी, ऑफिस में बॉस की डांट भी खाती थी, जो परिवार से दूर होने का दर्द भी सहती थी, थक हार कर रोती भी थी, मगर अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन्हीं महिलाओं ने वैक्सीन बनाकर पूरे देश को बचा भी लिया। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके घर छोटी बच्ची है, अगर आप मैरिड हैं या गर्लफ्रेंड भी है आपकी, तो उन लोगों को थिएटर ले जाकर ये फिल्म जरूर दिखाएं। पॉलिटिक्स को साइड में भी रख दें, लेकिन वैक्सीन बनाने में हमारी नारी शक्ति के इस रोल के लिए उन्हें ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए। बाकी आपने अब तक ये फिल्म देखी या नहीं देखी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर सही लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इतनी सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it.